नमस्कार, मैं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वो खबर जो डिजिटल इंडिया को बयां करती है, किस तरह से डिजिटल भारत की तस्वीर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में, वो देखी जा रही है। दरअसल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस बार हाईटेक तकनीक अख्तियार कर यानी डिजिटल तरीके से उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य करवाया गया था, मूल्यांकन करवाया गया था। 40,342 अभ्यर्थियों के द्वारा, परीक्षार्थियों के द्वारा 19 अक्टूबर से और 8 नवंबर तक 12वीं की शैक्षिक और ओपन स्कूल की जो पूरक परीक्षाएं थी वो दी गई थी। पूरक परीक्षाएं हालांकि तय समय पर पूरी हुई थी और उसके बाद उनका अंकन कार्य भी शुरू करवाया गया, लेकिन अंकन कार्य अलग तरीके से, अलग अंदाज में करवाया गया था। डिजिटल भारत की बात करते हैं और डिजिटल भारत में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ऐसा संभवतया पहला विद्यालय शिक्षा बोर्ड बना है जिसने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य है वो भी सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न किया है। सभी अभ्यर्थियों की 12वीं व 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य इस बार डिजिटल तरीके से, डिजिटलाइज तरीके से किया था। पहले तमाम जो उत्तर पुस्तिकाएं थी उनको स्कैन किया गया था, उसके बाद कंप्यूटर पर ही तमाम उत्तर पुस्तिकाएं जांची गई थी, उनका परिणाम तैयार किया गया और आज परिणाम जारी किया गया। अगर 12वीं के परिप्रेक्ष्य में बात करें, 10वीं का परिणाम 2 दिन पहले जारी किया गया था और जिस रोज हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी किया था उस दिन 10वीं के परीक्षा जो परिणाम थे वो जारी किए गए थे, 12वीं का आज जारी किया गया है। और खास बात यह है कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, रिवेल्युएशन करवाना चाहते हैं, दोबारा से अपनी उत्तर पुस्तिकाएं उनकी जांच करवाना चाहते हैं, तो उनको अब ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि फीस और दूसरी तमाम औपचारिकताएं वही रहेंगी, लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक बार फिर से डिजिटल तरीके से ही उनको, जो स्कैन कॉपी है उनको डिजिटल तरीके से ही उनका मूल्यांकन करवाएगा। हालांकि पहले जब मैनुअल तरीके से मूल्यांकन होता था उस वक्त उसी जांची हुई प्रति को ही दूसरा अध्यापक जांचता था, ऐसे में परिणाम बदलने की संभावनाएं कम रहती थी। लेकिन इस बार अब परिणाम बदल भी सकता है क्योंकि जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी थी उनकी स्कैंड कॉपी अभी भी बोर्ड के पास है, मूल्यांकित जो नंबर है वो दूसरी कॉपी है, जो स्कैंड कॉपी है उससे ही उसका दोबारा से रिवेल्युएशन करवाया जा सकेगा, पुनर्मूल्यांकन करवाया जा सकेगा। और एक अहम बात और भी इस बार देखने को मिल रही है कि पहले जो रिजल्ट लेटर के जो केस थे, परीक्षा परिणाम के जो अभ्यर्थियों के रिजल्ट में विलंब के जो केस होते थे वो हजारों की तादाद में होते थे, लेकिन इस बार महज 52 से 53 मामले ऐसे आए हैं जिनका रिजल्ट लेट है, वो भी तकनीकी कोई खामी रही होगी, उसको भी त्वरित गति से विद्यालय शिक्षा बोर्ड दुरुस्त करने की बात कह रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।